नमस्कार, मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज बेक। कांजीवाल हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जो भी इस हत्याकांड के बारे में सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। हम आपको बता दें, अंजलि सिंह नाम की लड़की जब रात को 2 बजे अपना इवेंट कर अपनी स्कूटी से घर वापस जा रही थी, तभी उनकी स्कूटी एक बलेनो कार में जा लगी। बलेनो कार में 5 लड़के सवार थे जिन्होंने दारू पी रखी थी। उन 5 लड़कों ने अंजलि को कई किलोमीटर तक बेरहमी से घसीटते हुए मौत के द्वार उतार दिया। पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर यह भी पता चला कि उन 5 लड़कों में से एक लड़का बीजेपी लीडर है। आगे कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद यह भी पता चला कि अंजलि जब होटल से इवेंट कर वापस निकल रही थी तो वह स्कूटी पर अकेली नहीं थी, बल्कि जब अंजलि का कार से एक्सीडेंट हुआ तब भी अंजलि अकेली नहीं थी, उनके साथ एक लड़की मौजूद थी। उस लड़की का नाम निधि बताया जा रहा है। अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर निधि है कौन। तो हम आपको बता दें, निधि वह शख्स है जो इस पूरे हत्याकांड की आई विटनेस है। लेकिन निधि ने जो पुलिस को बताया उसके सुनने के बाद सब लोग चौंक गए हैं। जी हाँ, निधि ने पुलिस को बताया कि उस रात अंजलि और वह पार्टी कर वहां से निकले थे, लेकिन अंजलि ने बहुत पी रखी थी, वह बहुत ज्यादा नशे में थी। निधि ने अंजलि को बोला कि स्कूटी मुझे दे दो, मुझे चलाने दो, पर अंजलि ने निधि की नहीं सुनी और अंजलि ने निधि को स्कूटी नहीं दी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के माने तो उनमें कुछ अलग ही आया है। जी हाँ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बताया गया कि अंजलि के स्टोमक में से सिर्फ फूड पार्टिकल्स मिले हैं। जी हाँ, अंजलि ने अल्कोहल का कोई सेवन नहीं करा था, अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने। नहीं पाया गया है, मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात सर, सर 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 लेट मी फिनिश सर, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दूंगा और वो इतनी भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावला रोड पे गिर गया और ब्रेन जो है वो मिसिंग है। और ये ब्रेन मिसिंग होने के बाद में जब मैंने पोस्टमार्टम में देखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेन मैटर मिसिंग। और डॉक्टर भूपेन चौरसिया जो भी बात करेगा वो तथ्यों के आधार पे करेगा, कोई निधारित बात नहीं करूंगा। इस जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई, तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूँगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। सैडिज्म मर्डर मतलब होता है किसी को मारना एक अलग होता है और किसी को पेनफुल मौत देना अलग होता है। आपने सुना होगा, एक झटका होता है और एक हलाल होता है। फिर सवाल उठता है कि निधि क्या झूठ बोल रही है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में एक दर्दनाक चीज भी बताई गई। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार अंजलि का ब्रेन अभी तक मिसिंग है। वह कहीं कांजीवाला एरिया की किसी सड़क पर अभी भी पड़ा हुआ है, जो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है, क्या निधि खुद से झूठ बोल रही है या उन्हें कोई झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार अंजलि ने अल्कोहल का सेवन करा ही नहीं था, या ये उस बीजेपी लीडर को बचाने की सोची समझी साजिश है। क्योंकि अगर अंजलि के घर वालों की माने तो निधि का बयान सुनने के बाद आखिरकार अंजलि के घर वालों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बोला कि जब अंजलि घर से निकली थी तो वह किसी निधि नाम की लड़की के साथ नहीं निकली थी, वह घर से अकेली निकली थी।
वो जो लड़की बोल रही है आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? जो उसकी दोस्त है निधि जो है बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? वो साथ में तो गई थी ना निधि उनके साथ, हमारे घर से साथ में हमारी लड़की गई है। हाँ जानते थे आंटी की उसकी, निधि को जानते थे आप लोग? तो आपको लगता है गलत बोल रही है वो? गलत बोल रही है। और पुलिस ने जो अभी तक बताया उससे आप लोग कितना बोल रहे थे अभी तक? अगर वो भी है तो छुपा रहे। और अंजलि के घर वालों का यह भी कहना है कि अंजलि की कोई दोस्त निधि थी ही नहीं। जी हाँ, अंजलि की नानी ने बताया कि वह किसी निधि नाम की लड़की को जानते ही नहीं है। तो आखिर में यह सब बयान वो मानते ही नहीं है। आखिर में ये सब क्या हो रहा है? क्या निधि झूठ बोल रही है? क्या कोई ऐसे पहलू अभी भी बाकी हैं जो सामने ही नहीं आए हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और देश भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बेक।